कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे छेड़ा नहीं बस तक नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल, और क्या। इकॉनमी में कौन सी चीज़ ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी, अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई, बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है वो बड़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से। अब इंटरनेशनल क्या है कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर, तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों के से पैर छुराने के, कोई अंग्रेज नहीं छूता है, कोई सफ़ेद चमड़ा नहीं छूता है, 100% चाइना का षड्यंत्र है, और वो जगह और जगह में भी करेंगे, अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे। देखो चाइना को तो मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना लिए उन्होंने कि हिंदू अब अमेरिका और चाइना दो ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए। अब मोदी गए थे अमेरिका, एक शब्द नहीं चाइना के लिए बोला, यानी ना मोदी ने बोला ना बाइडन ने बोला। क्यों? क्योंकि चाइना तो बहुत बड़ा है, हम इंडिया कैसे बोलने देंगे।